सब अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई। सब अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई। एक किशोरी कृपा ते जो कछु होई सो होई। एक किशोरी कृपा ते जो कछु होई सो होई। सो कृपा अति सुगम नहीं ताको कौन उपाव। सो कृपा अति सुगम नहीं ताको कौन उपाव। चरण शरण हरिवंश की सहज ही बन्यो बनाव। चरण शरण हरिवंश की सहज ही बन्यो बनाव। प्रथम अपनी ओर देखते हैं तो कहते हैं सब अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोए। एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। कम से कम इस देश में, इस भाव देश में, इस प्रेम देश में तो भाई कभी होगा, कुछ होगा तो श्री जी की कृपा से होगा। देखो भजन हो रहा है तो श्री जी की कृपा है, कम हो रहा है, अधिक हो रहा है, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, पर एक बात अपने मन में दृढ़ विश्वास करके कहिए कि जो हो रहा है वो श्री जी की कृपा से हो रहा है। इसी को व्यास जी ने कहा है, व्यास भरोसे कुमरी के सोबत पांव पसार। जो हो रहा है वो श्री जी की कृपा से हो रहा है। ये प्रेम देश है और प्रेम देश के नियम अपने हैं, यहां का अपना नियम है, अपना कानून है। बहुत कुछ करने वाले की ओर देखा भी नहीं जाता, बहुत कुछ करने वाले की ओर कभी कभी प्रियालाल देखते भी नहीं और रंच प्रेम में अपने आप को दे देते हैं। रसिक बदरेणु महाराज श्री की एक कविता है, उसमें उन्होंने ऐसा संकेत किया है, कई बार मैंने आपको सुनाया भी, पर प्रसंगानुकूल है, उसका स्मरण करना चाहिए कि फागुन का महीना और कहते हैं कि हम बस ऐसे ही अनमने से बैठे थे कुटिया में, तो एकाएक किसी ने आकर द्वार खटखटाया। द्वार खोल कर जब देखा तो द्वार पर आज ये कौन अतिथि आया है जो बिना ही निमंत्रण के आ गया। इंद्र नील मणि श्याम मनोहर। इंद्र नील मणि श्याम मनोहर। शात कुंभ तन गोरी जोरी। वो उज्जवल बसन, वो सुंदर श्रृंगार, वो फागुन के रंग में रंगे प्रियालाल द्वार पर खड़े हैं। अरे ये एकाएक आप कैसे चले आए, मैंने तो आपको बुलाया नहीं, मैंने तो आपको पुकारा नहीं, पर इस समय तो मन भी अनमना सा था, आपका कुछ ध्यान सा भी नहीं था, ये एकाएक आप कैसे चले आए। तो क्या उत्तर मिला, बोले बाबा बस तेरी कुटिया में एकांत देखियो सो चले आए। बस तेरी कुटिया में एकांत देखियो सो चले आए, और ढरे कुटी की ओर, बस वो एकांत देखा और तेरी ओर चले आए। तो जो वृंदावन धाम है, जो पड़ा है इसका आश्रय लेकर, बिहारी देव कहते रज छाणे रज पाइए, रज पाए रज जाए, रज सो रज ही पिछाट ले, रज सो रसिक कहाए। वो जो विषय की वो क्षण भंगुर चमक दमक है, वृंदावन की रज धो मांज देती है उसे। जीव को जीव का जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव कराती है, उसमें स्थित करती है वृंदावन की रज। वृंदावन का सेवन स्वस्थ करता है, आपको अपने स्वरूप में स्थित करता है। तो यहां दुर्दास जी कह रहे हैं सब अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोए। न तो किया है न करने योग्य है, ना मैंने कुछ है किया और ना कुछ करने योग। यहां तो कभी बस धाम की कृपा होगी और प्रियालाल बस कृपा भरी दृष्टि से देख लेंगे, निहार लेंगे। आपने मदन टेर के अंधे बाबा का प्रसंग सुना होगा,
बहुत छोटी सी अवस्था में आ गए। मदन टेर उस समय बड़ी सघन कुंज हुआ करती थी, बस वहां पर आकर पड़ गए। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, बस रोते हैं, बस श्यामा श्याम रटते हैं और बस निरंतर अश्रु प्रवाहित करते हैं। और कहते हैं इतना रोए कि रोते रोते नेत्रों की ज्योति चली गई। अब पूछो उनको साधन क्या है? कुछ नहीं, बस रोते हैं, श्यामा श्याम रटते हैं और रोते हैं। और कहते हैं जीवन के 40 वर्ष ऐसे ही बीत गए, 40 वर्ष। वस्तुतः प्रेम जो है ना, प्रतीक्षा का ही मार्ग है। यहां तो प्रियतम की कृपा की, प्रियतम की चितवन की बस प्रतीक्षा की जा सकती है। करने को भाई आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। जो आप और मैं करेंगे वो वस्तुतः आपको और मुझे भले लगे कि जाने हमने क्या कर दिया, पर प्रेम की दृष्टि में वो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब एक व्यक्ति अपना सर्वस्व भी प्रभु के चरणों में न्यौछावर कर दे, पर अगर प्रभु लक्ष्मीपति होकर देखें तो वो क्या है? कुछ भी नहीं है। ऐसे ही प्रेम जो सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई जो सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है, उसके सन्मुख आपका मेरा सर्वस्व क्या है? अरे ध्रुवदास कहते प्राण दिए ये प्रेम ना पाइए, प्राण भी दे दो तो भी उसका कोई मोल नहीं है, तो भी उसका कोई मोल नहीं है। रोते रोते दृष्टि चली गई, वृंदावन की कृपा हुई। उन्होंने वृंदावन की उन कुंजों को, वृंदावन की उन तरुलता बेली वल्लरियों को सींचा था अपने प्रेमाश्रुओं से। और कोटि भांति भावे अप्रस रहो, भावे सप्रस रहो, ऐसे रहो वैसे रहो, करो न करो, उनको तो एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। वो प्रीत सच्ची थी, आशा प्रिया प्रीतम की थी, लालसा प्रिया प्रीतम की थी। मैं एक बात आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक यहां पर कहकर आगे बढ़ूंगा, आप यहां पर संसार की आशा लिए पड़े हैं और कोई संसार में वृंदावन की आशा लिए पड़ा है, भाई संभावना तो कृपा की उसी पर है। जो कहीं संसार में, व्यवहार में, बाजार में, लेकिन कृपा की आशा लिए पड़ा है, कृपा की अभिलाषा, यही जीव को पात्र बनाती है। जब प्रभु से प्रभु के अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहिए, बस तुम संग सहज स्नेह। तो वृंदावन की उन कुंजों को सींच दिया था बाबा ने अपने प्रेमाश्रुओं से, पर हो गई कृपा। एक दिन अकारण कृपा हो गई, अहेतु की कृपा हो गई, करुणामयी की। संध्या का समय था और प्रियालाल भ्रमण करते करते बस आ गए उस ओर। बाबा रो ही रहे थे, सुबकते सुबकते श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, श्यामा श्याम रटते। अच्छा, श्री ठाकुर जी का स्वभाव कुछ और है, पर हमारी प्रिया जी का स्वभाव कुछ और है। अब हमारा तो कोई ऐसा परिचय नहीं है, पर जिनका है वो कहते हैं कि जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना आहू की जागीर। क्योंकि ठाकुर जी को रोते देख आनंद आता है क्या? अब पता नहीं जिसने कहा है वो जाने, पर ऐसा कहा है रसिकों ने। पर हमारी प्रिया जी का स्वभाव और है। यहां तो फूल जहां तहां देखिए, श्री वृंदावन माही, द्रुम बेली खग सहचरी, बिना फूल को नाही। तो रो रहा है बाबा। प्रिया जी ने कहा लाल जी से, प्यारे कि बाबा रोए रहे हो, मुझे अच्छो ना लग रहो। हमारी प्रिया जी को रोते हुए कोई अच्छा नहीं लगता। सखियां जो है वो प्रेम की फूलन से फूली रहती, हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती गुनगुनाती, ऐसी सहचरियां प्रिया जी के चारों ओर रहती हैं। श्री जी ने कहा प्यारे ये बाबा रोए रहे हो और मुझे अच्छो ना लग रहो, तुम आए नेक जाके हंसाओ। अब ठाकुर जी गए, ठाकुर जी ने कहा बाबा चोरो रोए। बाबा ने सोचा कोई ग्वारिया होगा। बाबा ने कहा अरे अरे लाला तू जा मुझे भजन करन दे। अरे भजन तो कर लियो बाबा, पर रो क्यों रहे हो बता, भूख लगी है तो भोजन दूं, तो है रोटी लाए दूं। अब बाबा ने कहा अरे लाला तू जावे क्यों ना आए यहाँ ते, तू जा मुझे भजन करन दे। अब ठाकुर जी ने एक दो बात और कही, बाबा और खींच गए। प्रिया जी ने कहा प्यारे ये तुम पे ना हंसे को, यही तो मैं हंसाऊंगी। प्रिया जी आगे गई, बोली बाबा तेरी बहू मर गई दी से जब तू रो रो एक। तो बाबा ने कहा अरे लाली तू बहुत तो भोरी है, बाबा जी की कोई बहू होए करेगा? तो बाबा फिर रो क्यों रोए, तेरे कोई अपनो ना है, तू अकेलो है का जो यहां कुंज में पड़ो रोए जा रहो है? तो बाबा ने कहा लाली मुझे दुख या बात को ना है कि मेरे कोई अपनो ना है, मुझे दुख तो या बात को है कि मेरे जो अपने हैं
बिन्ने मोय बिसार दी हुए है, बिन्ने मोय भुला दी हुए। और बाबा कहने लगे, अरे वो नंद को छोरा तो ऐसो ही हो, तन को कारो मन को कारो। पर लाली दुख की बात तो ये, वाके संग रहते रहते हमारी लाली राधाओं वैसी हो गई, वैसी निष्ठुर रह गई। अब तो प्रिया जी भूल गई कि मैं वस्तुतः क्या कहने आई थी और क्यों कहने आई थी। भोली प्रिया जी ने कहा, अरे बाबा मैं कैसे निष्ठुर हो गई, मैं तो निष्ठुर ना हूं। अपना स्वरूप प्रकट कर दिया बाबा के सामने, फिर झट से अपने आप को संभाला। बोली बाबा एक बात बता, तो सूझे तो है ना है कछु, जो लाली राधा तेरे सन्मुख आए गई तो तू पहचाने को कैसे, तू तो बड़ो भोरो है। तो बाबा अपने उन अर्ध निमिलित नेत्रों से अश्रुपात करते हुए कहने लगे, अरे बरे, अरे लाली भोरो मैं ना हूं, भोरी तो तू है। जब लाली राधा आवेगी और अपने कर कमलन ते मेरे नेत्रन को स्पर्श करेगी तो इनमें ज्योति ना आ जावेगी, अरे मैं वहां को दर्शन ना कर लूंगो। कहते हैं बस इतना सुना और प्रिया जी से रहा नहीं गया, लाल जी देखते रह गए। प्रिया जी ने अपने कर कमलों का स्पर्श करा दिया बाबा के नेत्रों पर, नेत्रों की ज्योति और नेत्रों के सन्मुख गौर बरन वृषभानु नंदिनी श्याम बरन नंद नंद बसो मोरे नैनन में दोचन। तो यहाँ के रसिक संतों का जीवन तो यही बताता है भाई, सतत भजन किया है उन्होंने, यद्यपि निरंतर भजन किया है लेकिन कभी अपने मन को भी इस बात का बोध नहीं होने दिया कि हम कुछ करते हैं, बस पड़े हैं वृंदावन में, वृंदावन का आश्रय लेकर पड़े हैं इसी आशा में। एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो हो। भक्तमाल में श्री नरसिंह जी का प्रसंग है, कहते हैं जब महादेव के उस मंदिर में जाकर पड़ गए ना नरसिंह, तो 5-7 दिन पड़े रहे। जगदम्बा ने महादेव से कहा, बोले अरे किसी संसार के व्यक्ति के द्वार पर भी कोई पड़ जाए तो उसकी सुध लेता है, आप तो देवाधिदेव हैं, महादेव हैं, एक जीव आपके द्वार पर पड़ा है, आप उसकी सुध नहीं लेंगे, आप उसका समाधान नहीं करेंगे, उसके मन की अभिलाषा पूर्ण नहीं करेंगे। किसी के द्वार पर भी कोई पड़ जाए तो जो धनी है उसको सुध लेनी पड़ती है। तो वृंदावन को श्री जी का द्वार, श्री जी का दरबार, श्री जी का निज भवन, श्री जी का घर आंगन मानकर पहचान कर बस इस धाम में, इसकी रज में आकर पड़ जाइए। कभी तो लाडली पूछेगी कौन परो दरबार। और आपको मेरे को आवश्यकता कितनी है, बस एक कृपा की दृष्टि। दुर्दास जी कहते हैं ना, राधा वल्लभ लाडली अति उदार सुकुमार, ध्रुव तो भूल्यो औरतें तुम जिन देहु बिसार, तुम जिन देहु बिसार ठौर मोको कहूं नाही, पिय रंग भरी कटाक्ष बस नेक चितवो मोवाई। इतने से मेरा कार्य हो जाएगा, पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चितवो मोवाई। और एक बार मेरे साथ सब कहिए, राख मन भरोसो तोहे पोषी हैं श्री राधे, राख मन भरोसो तोहे पोषी हैं श्री राधे, किशोरी हित चरण शरण मिटी है भव बाधे, किशोरी हित चरण शरण मिटी है भव बाधे। तो एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए, पर हाँ इतना अवश्य कहते हैं सो कृपा अति सुगम नहीं, इन चरणों की ओर मन भी नहीं जाता, इन चरणों का पता नहीं पड़ता। सो कृपा अति सुगम नहीं, इस दिशा में मन कैसे जाए जहां श्री जी विराजमान है, ताको कौन उपाव। तो कहते चरण शरण हरिवंश की सहजई बन्यो बनाव, इस नाम के रटते रटते जीव सहज में ही श्री जी की कृपा का पात्र हो जाता है। हरिवंश चरण उर धरनी धर
मन वच के विश्वास हरिवंश चरण उर धर निधर मन वच के विश्वास कुंवरी कृपा है तब ही अरु वृंदावन वास कुंवरी कृपा है तब ही अरु वृंदावन वास। अरे मन तू हितजू के चरणों का आश्रय लेकर और इस हरिवंश नाम को रटता रटता और अपने मन में अपने भीतर ये विश्वास का दीप जलाए रख कि इसी प्रकार तू कृपा का पात्र बनेगा करुणामयी की वो कृपा कोर होगी उनके कृपा का वो घन बरसेगा और तू उसमें सदा सदा के लिए भीग जाएगा और उसी के प्रसाद से तुझे इस वृंदावन का वास मिलेगा। देखो ये जो वृंदावन वास है ये बहुत समझने योग्य शब्द है। तन से यहां पर रहना वो भी अच्छा है, बुरा तो नहीं है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर ये शब्द अपने आप में कुछ और संकेत करता है। वृंदावन का वास अर्थात जब मनसा वाचा कर्मणा वृंदावन और वृंदावन के उस रहस्य रस का सेवन हो तब वृंदावन वास है, जब वृंदावन को वृंदावन समझकर वृंदावन में बसा जाए। तो कह रहे श्री जी की कृपा होगी तू हितजू के चरणों का आश्रय ले, ये नाम रट, इस नाम के रटते रटते तू कृपा का पात्र बनेगा, करुणामयी की कृपा कोर होगी, तू कृपा का पात्र होगा और वो जब कृपा का रस बरसेगा तो भर जाएगा तेरे उर अंतर का वो पात्र, तू सदा सदा के लिए भीग जाएगा, निमग्न हो जाएगा इस रस में, उसके प्रसाद से तुझे इस वृंदावन का वास, इस वृंदावन का परमाश्रय अवश्य प्रसाद रूप प्राप्त होगा। प्रिया चरण बल जान के बाढ़ो ही है हुलास प्रिया चरण बल जान के बाढ़ो ही है हुलास ते उर में आनी है वृंदाविपिन प्रकाश ते उर में आनी है वृंदाविपिन प्रकाश। एक और रहस्य उजागर इन दो पंक्तियों में ध्रुवदास जी करते हैं। अभी मैं आपसे कह रहा था ना कि जैसे मंत्र को जपो तो मंत्र की शक्ति मंत्र का देवता प्रकाशित होने लगता है, प्रकट होने लगता है, ऐसे ये जो हरिवंश नाम है इस नाम में निहित जो वो परम निगूढ़ भाव भावना है वो क्या है? श्री जी के चरणों का प्रेम। महाप्रभु की उपासना कैसी है? राधा चरण प्रधान है। महाप्रभु कैसे हैं? जो श्री जी से कहते हैं कि बस जागते सोते सपने आपके चरण कमलों की छटा ही मेरे हृदय में स्फुरित होती रहे। तो एक स्थान पर महाप्रभु कह रहे हैं कदा वा राधाया पद कमलम आयोज हृदये दयेशम निशेषम नियतम ही जह्याम उपविधिम कि आपके चरणों का स्मरण करते करते मैं सब भूल जाऊं, मुझे कुछ भी स्मरण न रहे, केवल आपके चरण और केवल आपके चरणों की वो पावन वो मधुर वो सुंदर स्मृति। तो ये जो हरिवंश नाम है इसमें निहित वो जो निगूढ़ भावना है, हरिवंश नाम का रस क्या है? श्री जी के चरण कमलों की भक्ति, श्री जी के चरण कमलों का वो विलक्षण वो अद्भुत प्रेम, यही है जी हरिवंश नाम का रस रहस्य है। तो जब इस नाम को रटा जाएगा तो इस नाम का जो विशुद्ध वास्तविक रस है वो हृदय में प्रकट होगा और उसकी कृपा से प्रिया चरण बल जानिके श्री जी के चरणों का वो प्रेम पोषण करेगा उर अंतर का और उस चरणों के रस के बल पर बाढ़ो ही ये हुलास ते उर में आनी है वृंदाविपिन प्रकाश। पहले भी चर्चा होती रही कि नाम की कृपा से रूप और रूप के प्रकाश में लीला का दर्शन और चिंतन होता है। तो हृदय में श्री हरिवंश नाम की कृपा से जब श्री जी के चरण कमल प्रकाशित होंगे उस प्रकाश में वृंदावन के उस नित्य उस सच्चिदानंद घन स्वरूप की झलक मिलेगी, अनुभव होगा। तेई उर में आनी है वृंदाविपिन प्रकाश, वही चरण कमल, उन चरण कमलों की नक्षवी छटा, उन्हीं चरण कमलों का वो दिव्य सौम्य प्रकाश और उसी प्रकाश में दिखाई पड़ेगा वो वृंदावन, वो यमुना,
वो दिव्य तरु लताएं, वो खग मृग, वो राधा का विहार वन, जिसके लिए महाप्रभु कहते राधा विहार विपिने रमताम मनो में, वो प्रिया जी का वो जो विहार वन है, वो जो प्रिया जी की निकुंज वाटी है, वो जो श्री जी का निकुंज गे है, वो उन्हीं चरणों के प्रकाश में दृष्टिगोचर होगा। तो आरंभ कहाँ से करना है? हरिवंश नाम की रटन, उस नाम की रटन से श्री जी के चरण कमल हृदय में प्रकाशित होंगे, उन चरण कमलों की नख छटा में, उस प्रकाश में इस नित्य केली का दर्शन होगा। कुंवरी किशोरी लाडली करुणानिधि सुकुमार, कुंवरी किशोरी लाडली करुणानिधि सुकुमार, बरनो वृंदा विपिन को तिनके चरण संभार, बरनो वृंदा विपिन को तिनके चरण संभार, हेम मई अवनी सहज रतन खचित बहुरंग, हेम मई अवनी सहज रतन खचित बहुरंग, चित्रित चित्र विचित्र गति छवि की उठत तरंग, चित्रित चित्र विचित्र गति छवि की उठत तरंग। तो कुंवरी किशोरी लाडली करुणा निधि सुकुमार, प्रिया जी के स्वभाव का स्मरण करके फिर उस वृंदावन की भाव भावना में आगे बढ़ते हैं। और व्यासपीठ से कई बार मैं निवेदन आपको करता हूं, जिसने देखा है भाई वो दिखा भी सकता है, जिसने देखा है वो दिखा सकता है। ध्रुवदास जी की वाणी समर्थ है। और प्रथम दिन जब आरंभ किया था हमने, तो मैंने आपसे कहा था ये वस्तुत है, कहने को ध्रुवदास जी की वाणी है, पर ध्रुवदास जी के माध्यम से श्री जी के चरणारविंद से प्रवाहित वो अविरल प्रेम धारा ही प्रकट हुई। मेरा तो अपना ऐसा, ये मेरा बिल्कुल निजी मत है कि सब रसिकों की वाणी प्रियालाल का ही यश गाती है, पर इस वाणी में कुछ विशेषता है। ध्रुवदास जी की वाणी का जो लालित्य है, जो माधुर्य है, वो अपने आप में अनुपम है, अनूठा है। पर मैं आपको कह रहा था, और राधा वल्लभ लाल को भी वाणी इतनी प्रिय है कि वर्ष में सर्वाधिक समय राधा वल्लभ लाल ध्रुवदास जी की वाणी का ही श्रवण करते हैं। सबसे अधिक समय मंदिर में 42 लीला की समाज होती है, इसी वाणी का श्रवण प्रिया लाल करते हैं। श्री जी के चरणारविंद से प्रवाहित ये प्रेम धारा है, इसमें निमज्जन करने वाला वो विलक्षण रस अवश्य प्राप्त करता है। भाई ये वाणी अमोघ है, ये वाणी अमोघ है, वस्तुतः नौका है उस पार ले जाने के लिए। तो ध्रुवदास जी समर्थ है, देख रहे हैं, गा रहे हैं, तो जो देख कर गाता है वो गाकर आपको मुझे दिखा भी सकता है। शब्द जहां से आता है ना, आपकी मेरी चेतना को वहीं ले जाता है। जो शब्द जहां से आएगा वो आपको मुझे, आपके मेरे भाव को वहीं ले जाएगा। क्रोध से आया शब्द क्रोध की ओर ले जाता है, घृणा की ओर ले जाता है, प्रेम से आया शब्द सुख की ओर ले जाता है, आनंद की ओर ले जाता है। ये श्री जी के चरणों से आए हैं शब्द, श्री जी के चरणों तक ले जाने में समर्थ है। वर्णो वृंदा विपिन को तिनके चरण संभार, उन्हीं श्री चरणों को हृदय में विराजमान करके उन्हीं चरण कमलों के प्रकाश में इस दिव्य वृंदावन का दर्शन करते हैं और फिर इस दिव्य रस का गान करते हैं। सबसे पहले वृंदावन की उस पावन भूमि को प्रणाम करते हैं जिन पर श्री प्रिया जी अपने सुंदर सुकुमार चरण कमल पधराती हैं। हेम मई अवनी सहज रतन खचित बहुरंग, स्वर्णमयी वृंदावन की भूमि अनेक अनेक रत्नों से खची, सुसज्जित, अलंकृत, चित्रित चित्र विचित्र गति छवि की उठत तरंग। क्योंकि वृंदावन की भूमि को पादुकादि व्यवधान रहित श्री प्रिया जी के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त होता है, इसलिए सबसे धन्य जो है वो वृंदावन की भूमि है, वो वृंदावन की रज है। चित्रित चित्र विचित्र गति छवि की उठत तरंग। भगवत रसिक देव तो कहते हैं सुभग सिंगार निकुंज गली के जावक जुत जुग चरण लली के। श्री प्रिया जी के चरणों के चिन्ह इस अवनी पर बने हैं, चरण चिन्हों से अलंकृत ये भूमि है।
इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है और एक रसिक उपासक के लिए परम उपास्य है। वृंदावन झलकन झमक फूले नैन निहार, वृंदावन झलकन झमक फूले नैन निहार, रवि शशि दुति धर जहाँ लगी ते सब डारे वार, रवि शशि दुति धर जहाँ लगी ते सब डारे वार। और फिर वृंदावन की उस आभा का, उस प्रभा का स्मरण करते हुए कहते हैं कि उसका दर्शन करके ही नेत्र हृदय तृप्त हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, किसी विलक्षण आनंद से भर जाता है मन। रवि शशि दुति धर जहां लगी ते सब डारे वार, उस वृंदावन के एक एक लता पत्र की आभा प्रभा कैसी है कि अनेक अनेक सूर्य चंद्रमा न्योछावर कर दिए जाएं। वृंदावन द्युति पत्र की उपमा को कछु नाही, वृंदावन द्युति पत्र की उपमा को कछु नाही, कोटि कोटि बैकुंठ हूँ तिहि सम कहे न जाहि, कोटि कोटि बैकुंठ हूँ तिहि सम कहे न जाहि। ध्रुवदास जी तो कहते हैं वृंदावन द्युति पत्र की, एक पत्र की जो द्युति है वस्तुतः उसकी उपमा, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। कोटि कोटि बैकुंठ हूँ तिहिसम कहे न जाए, क्योंकि यहाँ का एक एक कण प्रेममय है, उसी विशुद्ध प्रेम भाव से ही उसकी रचना हुई है। प्रिया जी के हस्त कमलों द्वारा स्पर्शित है, चरण कमलों द्वारा अलंकृत है, नेत्र कमलों द्वारा सिंचित है। देखो लीला का चिंतन कब संभव है, आप वृंदावन में रहे या वृंदावन आप में रहे, कब? जब वृंदावन आप में रहे। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु का वाक्य है, कृष्ण सेवा सदा कार्या, पर कहते मानसी सा परामता, और उसी से ही सिद्ध यही तनु इत्तजा, कि तन की धन की जो भी सेवा है उसकी सफलता क्या है कि मन सेवा में लग जाए। तन धन साधन की जो सेवा है उसका साफल्य क्या है, उसकी सार्थकता क्या है कि मन सेवा में लग जाए, मन सेवा में लगे। मानसी सा परामता, आप और मैं भी जो कर रहे हैं उसकी सफलता, उसकी सार्थकता कब है, क्या है कि हमारा मन वृंदावन बन जाए। प्रिया प्रीतम इस हृदय निकुंज में क्रीड़ा करें, यही वस्तुतः भजन भावना का अर्थ है, यही भजन भावना का अर्थ है कि हमारा उर अंतर वृंदावन बने। तो वृंदावन शतलीला जो है ये वस्तुतः उर अंतर को वृंदावन बनाने की विधि है। वृंदावन का ध्यान कराते हैं ध्रुवदास जी, पहले वृंदावन की भूमि को प्रणाम करते हैं, फिर वृंदावन की उस आभा प्रभा का दर्शन कराते हैं, वृंदावन की जो तरुलताएं हैं उनके एक एक पत्र की द्युति कैसी है, कोटि कोटि बैकुंठ हूँ तिहि सम कहे न जा, लता लता सब कल्प तरु पारिजात सब फूल, लता लता सब कल्प तरु पारिजात सब फूल, सहज एक रस रहत है झलकत यमुना कूल, सहज एक रस रहत है झलकत यमुना कूल। यहाँ कह रहे हैं लता लता सब कल्पतरु, कल्पतरु अर्थात वृंदावन के जो कल्पतरु हैं उनकी विशेषता क्या है, वो कल्पतरु तो मन की इच्छा को पूर्ण करता है, पर वृंदावन का जो कल्पतरु है वो मन की इच्छा को सदा सदा के लिए नष्ट कर देता है। विषय की जो वासना है, संसार की जो कामना है, वो सदा सदा के लिए नष्ट हो जाती है। और मैं तो पक्षपात पूर्वक कहूंगा भाई, यहीं आकर जीव निष्काम होता है, प्रेम के अतिरिक्त कोई निष्काम नहीं कर सकता।
प्रेम ही पूर्ण निष्कामता प्रदान करने में समर्थ है। तो कह रही है लता लता सब कल्प तरु, पारिजात सब फूल, और फिर कह रहे हैं सहज एक रस रहते हैं, झलकत यमुना कूल। यहां एक और गुण बता रहे हैं कि यहां की कोई लता पत्र, यहां का कोई पुष्प कभी मुरझाता नहीं, और जो इनका स्मरण करता है, रुद्रदास जी कह रहे हैं जैसे ये वृंदावन के तरु लता कभी मुरझाते नहीं, सदा प्रफुल्लित रहते हैं, ऐसे जो हृदय से इनका स्मरण करता है, इनका चिंतन करता है, वो हृदय भी कभी मुरझाता नहीं और आनंद से सदा प्रफुल्लित रहता है, वो हृदय भी कभी नहीं मुरझाता। कुंज कुंज अति प्रेम सो कोटि कोटि रति मैन, कुंज कुंज अति प्रेम सो कोटि कोटि रति मैन, दिन ही समारत रहत है श्री वृंदावन, सवारत रहत है श्री वृंदावन। स्वयं प्रेम और सौंदर्य जिस वृंदावन की एक एक कुंज का श्रृंगार करते हैं कि जाने इन इन कुंजों में विहरण करते हुए श्री जी को कौन सी कुंज भा जाए, किस कुंज में प्रिया जी का कुछ काल विश्राम करने का मन हुआ है, किस कुंज में क्रीड़ा करने की इच्छा हुआ है। कह रहे दिन ही सवारत रहते हैं श्री वृंदावन ऐन, सतत, और संवारने वाला कौन है, स्वयं प्रेम और सौंदर्य, स्वयं प्रेम और सौंदर्य वृंदावन की कुंजों का श्रृंगार करते हैं प्रियालाल के सुख के लिए। विपिन राज राजत दिन ही बरसत आनंद पुंज, विपिन राज राजत दिन ही बरसत आनंद पुंज, लुप्त सुगंध पराग रस मधुप करत मधुगुंज, लुप्त सुगंध पराग रस मधुप करत मधुगुंज। और अद्भुत आनंद का वर्षण करता ये वृंदावन विराजमान है, लुप्त सुगंध पराग रस मधुप करत मधुगुंज, चहुं ओर खिले वो सुंदर सुंदर पुष्प, सरोवरों में खिले वो अरुण नील सित कमल, और उन पर गुंजार करते भ्रमर, और वृंदावन के भ्रमर क्या गुंजार करते हैं, श्री राधा 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 राधा। ऐसा महाप्रभु का वाक्य है, महाप्रभु का वाक्य है, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनु में। मैं फिर आपको स्मरण दिलाऊं ताकि आप भूल न जाएं, ये वृंदावन शतलीला है, ये वस्तुतः उस वृंदावन के उस परम सरस स्वरूप का ध्यान करने के लिए है। एक एक शब्द जो है वो मंत्र है, एक एक शब्द मंत्र है, इस वाणी का गान करते करते हृदय हो जाता है वृंदावन सा, तदाकार हो जाता है मन उस वृंदावन के उस नित्य सत्य स्वरूप में, इन इन शब्दों का गान करते करते, इस वाणी का गान, ये एक प्रकार से प्रेम की मंत्रोपासना है। विपिन राज राजत दिन ही बरसत आनंद पुंज, लुब्ध सुगंध पराग रस मधुप करत मधुगुंज, वृंदावन में जो पुष्प खिले हैं उनकी सुवास, उनका मकरंद, उससे लुभायमान जो भ्रमर है, सतत श्री जी का यश गान करते गुंजार करते हैं। आपको और मुझे भी तो अपने मन को भ्रमर ही बनाना है कि जो मन भंवरा है ये बस चरण कमलों से लिपटा रहे और उस मकरंद रस का पान करता रहे। अभी कैसा है मन, मक्षिका के जैसा है, इस मन को भ्रमर बनाना है, श्री जी के चरण कमलों का भ्रमर हो जाए। हम गाते हैं ना, मन भंवरा थारे चरण कमल सो आलिपटायो जी नाथ थरी सरणी आयो। ये मन भ्रमर हो जाए, सारन को सार, रस को भी रस, बस यही है कि राधा पद पंकज के भ्रमर हो रही है, भ्रमर मंडराता रहे। आप कभी भंवरे को देखना, पुष्प के चारों ओर मंडराता है, हवा चलती है, पुष्प की पंखुड़ियां हिलती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे पुष्प पुष्प ना कर रहा हो, पुष्प निषेध कर रहा हो, भंवरे को अपने पास न आने देना चाहता हो, पर भंवरा
उस मकरंद रस की आशा में, उसके लोभ में बस मंडराता ही रहता है उस पुष्प के निकट। ऐसे ही लाडली हम दीन हैं, हम दीन हैं, कृपा सिंधु में जिए वो मीन हैं। लाडली हम तो तुम्हारे दास हैं, और रहना चाहते बस पास है। मन मधुकर हो जाए श्री जी के चरण कमलों का, भूल ना जाए राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। अरे आपको और मुझे आचार्य ने जो मार्ग दिया है उससे सीधा, उससे सहज, उससे सरस कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। कोई और दूसरा मार्ग नहीं है आपको मुझे तो कोई अन्य विचार ही नहीं करना है। प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन, और इस नाम की कृपा से जब हृदय में स्फुरित होने लगे, प्रकाशित होने लगे श्री जी के चरण कमल, तो बस उन चरण कमलों का सतत दर्शन, सतत ध्यान, सतत स्मरण, सतत सेवन। अरुण नील सित कमल कुल रहे फूल बहुरंग, अरुण नील सित कमल कुल रहे फूल बहुरंग, वृंदावन पहरे मनो बहुविध बसन सुरंग, वृंदावन पहरे मनो बहुविधि बसन सुरंग। लाल नीले श्वेत असंख्य कमल वृंदावन की कुंजों में, रस सरोवरों में खिले हैं, और अनेक अनेक रंगों के पुष्पों से आच्छादित वृंदावन की वो डालियां, वो वल्लरियां, रविदास जी के लिए ऐसा लगता है ऐसे अनेक रंगों के वस्त्र वृंदावन धाम ने पहने हैं। वृंदावन पहरे मनो बहुविधि बसन सुरंग, हित सो त्रिविध समीर बहे जैसी रुचि जिहि काल, हित सो त्रिविध समीर बहे जैसी रुचि जिहि काल, मधुर मधुर कल कोकिला कूजत मोर मराल, मधुर मधुर कल कोकिला कूजत मोर मराल। त्रिविध समीर क्या होती है? जो शीतल हो, मंद हो और सुगंधित हो, जिसमें शीतलता हो, सौम्यता हो, जिसके प्रवाह में सौम्यता हो और सुवास हो, उसे त्रिविध समीर कहते हैं। और श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं हितसो त्रिविध समीर बहे, जो पवन है वो प्रियालाल के सुखार्थ बहती है, प्रियालाल के हितार्थ बहती है। कोई कोई क्रीड़ा, कोई केली करने के उपरांत जब श्रमित हो जाता है युगल का वो सुकुमार गात, तो थोड़ी तीव्र गति से प्रवाहित होने लगती है। फिर जब श्रम थोड़ा शांत हो जाता है, सहज हो जाते हैं जब प्रिया प्रीतम सहज स्थिति में अवस्थित होते हैं, तो फिर वो मंद हो जाती है। प्रिया लाल के सुख का विचार करते हुए पवन प्रवाहित होती है। हित सो त्रिविध समीर बहे जैसी रुचि जिही काल, और मधुर मधुर कल कोकिला कूजत मोर मरा। और वृंदावन के वो शुक पिक कोकिल मधुर मधुर स्वर में गाते रहते हैं युगल का यश। चाचा जी अपनी एक बाणी में कहते हैं, पढ़ी मैना कछु राधा को जस तू शुक वरन मोहन रस बतिया, पढ़री मैना कछु राधा को जस तू शुक बरन मोहन रस बतिया। वृंदावन का एक एक कण जीवन धारण करता है, क्यों? श्री जी सुखी हों,
प्रिया प्रीतम प्रसन्न रहें, प्रिया लाल हंसते मुस्कुराते रहें, युगल का सुख ही यहाँ के एक एक प्राणी का जीवन है। और वृंदावन का जो ध्यान है, वृंदावन का जो चिंतन है, वृंदावन का जो भजन है, मैंने कहा ना वृंदावन का भजन आपको वृंदावन रस के अनुकूल बनाएगा, वृंदावन का भजन है वो यही भाव आपको प्रदान करता है, तत्सुख सुखित्वम। वृंदावन का एक एक कण, वृंदावन का एक एक प्राणी, अरे वृंदावन में तो पवन भी प्रियालाल के सुख का विचार करते हुए बहती है। किस गति से बहना है, किस ओर बहना है, किस पुष्प की सुवास प्रिया प्रीतम को ले पहुंचानी है, किस पुष्प की सुवास प्रिया प्रीतम को निवेदन करनी है, इसका विचार करते हुए पवन प्रवाहित होती है। मंडित यमुना वारियों राजत परम रसाल, मंडित यमुना वारियों राजत परम रसाल, अति सुदेश शोभित मनो नीलमणिन की माल, अति सुदेश शोभित मनो नीलमणिन की माल। और फिर कलित कलिंद गिरी नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी हित स्वरूपिणी आनंद स्वरूपिणी रस स्वरूपिणी श्री यमुना जी का स्मरण करते हैं कि मंडित यमुना वारियों राजत परम रसाल, प्रियालाल के हृदय से उच्छलित प्रेम रस ही इस धारा के रूप में वृंदावन के चहुं ओर प्रवाहित है। ओ जमुना नील मणिन की माल, जय 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 श्री वृंदावन, प्रेम सुरस बरसत सब काल, जय 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 श्री वृंदावन। मंडित यमुना वारियों राजत परम रसाल, अति सुदेश शोभित मनो नीलमणिन की मन, चहुं ओर बहती यमुना जी। क्यों? क्योंकि जब जीव प्रवेश करे तो श्री यमुना जी का स्पर्श करके ही भीतर जाए, इसी प्रकार जाया जा सकता है। आप देखिए आचार्य ने कहीं कोई नियम विशेष नहीं दिया, पर श्री यमुना जी के स्मरण में महाप्रभु आज्ञा देते, त्रिकाल माद्रितः पठेत कलिंद नंदिनी मृदा विचिंत्य विश्व वंदिताम इहैव राधिका पते पदाब्ज भक्तिमुत्तमा मवाप्य सह ध्रुवम भवेत परत्र तत् प्रियानुगह। मैला कुचैला जीव आप और मैं संसार के व्यवहार में और एक जन्म से नहीं अनेक जन्मों से इसी विषय की वासना में लिप्त, सीधे सीधे कैसे इस परमोज्वल रस का आस्वादन हो, कैसे हमारा मन योग्य बने, श्री यमुना जी कृपा करती है। रसई कसीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका तदंग राग पिंजर प्रभाति पुंज मंजुला स्वरोचिशाति शोभिता कृतां जनाधि गंजना भजे कलिंद नंदिनीं दुरंत मोह भंजिनीं, भजे कलिंद नंदिनीं दुरंत मोह भंजिनी। और मानो वृंदावन के प्रेम पर रीझ कर, वृंदावन की इस अद्भुत सेवा भावना पर रीझ कर, प्रिया लाल ने ही अपने हृदय से उच्छलित उस प्रेम रस की माला बनाकर और वृंदावन धाम को धारण कराई है। संध्या का समय है, सत्र के विराम का भी समय है, श्री यमुना जी का स्मरण हुआ है, एक बार महाराज यमुनाष्टक का गान कर लेते हैं। ब्रजाधिराज नंदनाम्बुदाभ गात्र चंदनानुलेप गंधवाहिनी भवाब्धि बीजदाहिनी जगत्त्रये यशस्विनी लसत्सुधा पयस्विनी भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। रसैक सीम राधिकां पदाब्ज भक्ति साधिका तदंग राग पिंजर प्रभाति पुंज मंजुला स्वरोचिशाति शोभितां कृतां जनाधि गंजना भजे कलिंद ब्रजेन्द्र सूनुराधिका हृदि प्रपूरमाणयो महारसाब्धि पूरयोरिवाति तीव्र वेगता।
हिस्समुच्छलन्नव प्रवाह रूपिणीमहं भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जने विचित्ररत्नवद्धसत्तटत्वय श्रियोज्ज्वला विचित्रहंससारसादनन्तपक्षिसङ्कुला विचित्रमीनमेखलां कृतातिदीनपालितां भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जनीं वहन्ति कां श्रियामरिर्मुदा कृपास्वरूपिणीं विशुद्धभक्तिमुज्ज्वलां परेरसात्मिकां विदु सुधाश्रुतित्वलौकिके परेशवर्णरूपिणीं भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जनीं सुरेन्द्रवृन्दवन्दितां रसादधिष्ठते वने सदुपलब्धमाधवाद्भुतैकसदृशोन्मला अतीव विह्वलामिव चलत्तरङ्गदोलकां भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जनीं प्रफुल्लपङ्कजाननां लसन्नभोत्पलेक्षणां रथाङ्गनामयुग्मकस्तनीमुदारहंसिकां नितम्बचारुरोधसा हरेः प्रिया रसोज्ज्वला भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जनीं समस्तवेदमस्तकरगम्यवैभवां सदा महामुनीन्द्रनारदादिभिः सदैव भावि अतुल्यपावरैरपि श्रितां पुमर्थशारदां भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जनीं य एतदष्टकम्बुधस्त्रिकालमाद्रितः पठे कलिन्दनन्दिनी मृदा विचिन्त्य विश्ववन्दिता इहैव राधिकापते पदाब्जभक्तिमुत्तमा अवाप्य सध्रुवं भवेत् परत्र तत्प्रियानुगा भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जनीं भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जनीं।